मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को दो तिहाई बहुमत मिला। 230 में 163 सीटें बीजेपी ने जीत ली। 7.53% वोट बढ़ गया, लेकिन 27 विधायक और 31 में 12 मंत्री चुनाव हार गए। तो ये एंटी इनकम्बेंसी तो हो ही नहीं सकती, ये तो प्रो इनकम्बेंसी थी। हाँ, जो नहीं जीते उस हार की भी समीक्षा भारतीय जनता पार्टी करती, एक जीवन संगठन है और समय पर इन सभी हारों की समीक्षा की जाएगी। अहंकार किसको था, गर्दन तो लगभग मंत्रियों की टूट ही गई थी, यूँ ऐसे नहीं होती थी गर्दन उनकी, इतना अहंकार था काले धन का, भ्रष्टाचार का। जो जिसने जो करा है, जो बोया है वो काटेगा। दतिया से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने 7,742 वोटों से चुनाव हरा दिया। व्यवहार और पार्टी कार्यकर्ताओं की गुंडई इसकी वजह माने गए। हरदा से कृषि मंत्री कमल पटेल को आरके दोगने ने 870 वोट से हरा दिया। इलाके में भ्रष्टाचार और जनता से दूरी वजह बनी। बड़वानी से पशु मंत्री प्रेम सिंह पटेल कांग्रेस के राजन मंडलोई से 11,171 वोटों से हार गए। जनता नाराज थी और कई बार वो सार्वजनिक मंच से अपशब्द भी बोल जाते थे। बमोरी से पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को कांग्रेस के ऋषि अग्रवाल ने 8,389 वोटों से हरा दिया। ऋषि बीजेपी के पूर्व मंत्री के एल अग्रवाल के बेटे हैं। बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं की और इलाके के लोगों की नाराजगी और भ्रष्टाचार के आरोप सिसोदिया के खिलाफ गए। बदनावर से उद्योग मंत्री राज्यवर्धन दत्तीगांव बीजेपी के बागी भंवर सिंह शेखावत से 2,976 वोटों से चुनाव हार गए। दत्तीगांव के कथित वायरल वीडियो और बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ताओं का विरोध उनके खिलाफ गया। अटेर से सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया को पूर्व गृह मंत्री सत्यदेव कटारे के बेटे हेमंत ने 20,228 वोटों से हरा दिया। बीजेपी के बागी मुन्ना भदौरिया ने जमकर वोट काटे और अरविंद भदौरिया को घर में घेर दिया। बालाघाट से नर्मदा घाटी विकास मंत्री गौरीशंकर बिसेन कांग्रेस के अनुभव मुंजारे से 29,195 वोटों से चुनाव हार गए। 5 साल तक वो बेटी को टिकट दिलवाने के लिए लड़ते रहे, लेकिन अंतिम वक्त में खुद खड़े हो गए, लोगों ने इसे नकार दिया। इसके अलावा पोहरी से राज्य मंत्री सुरेश धाकड़, ग्वालियर ग्रामीण से भरत सिंह कुशवाहा, परसवाड़ा से रामकिशोर कांवरे, खरगापुर से राहुल लोधी, अमरपाटन से मंत्री रामखिलावन पटेल भी चुनाव हार गए। कहते हैं गढ़ आया पर सिंह गया। बीजेपी कह रही है कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं थी, सही भी है, उसे प्रचंड बहुमत मिला है। बावजूद इसके लगभग 40% मंत्री अपनी सीट गंवा बैठे और अपने विरोधियों के हाथों उन्हें हार मिली है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान और अमृतांशी जोशी के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।